नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव की आज से हुई शुरुआत। सिल्क इंडिया प्रदर्शनी का ज्ञान भवन में हो रहा 5 दिवसीय आयोजन। भारतीय क्रिकेटर लखन राजा को BCA ने 6 साल के लिए किया निष्कासित। सुशील मोदी ने श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा के दिन बिहार में राजकीय स्तर पर अवकाश की मांग। मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग इस नंबर पर कर सकते हैं संपर्क। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय क्रिकेटर लखन राजा को BCA ने 6 साल के लिए किया निष्कासित। बिहार से अपना संबंध रखने वाले भारतीय क्रिकेटर लखन राजा पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन यानी BCA द्वारा 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। BCA के CEO द्वारा जो पत्र जारी किए गए हैं उसके मुताबिक लखन के विरुद्ध पिता आदित्य प्रकाश वर्मा के साथ मिलकर अनुशासनहीनता एवं संघ विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और मोइनुल हक स्टेडियम में मुंबई के विरुद्ध रणजी मैच से पहले हुए घटनाक्रम में शामिल होने का आरोप लगा है। वहीं इस मामले को लेकर BCA अध्यक्ष राकेश तिवारी द्वारा कहा गया है कि किसी भी अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। हम बिहार क्रिकेट को निष्पक्ष तथा एकजुट रखने के लिए मजबूती से खड़े हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद आदित्य वर्मा ने कहा कि BCCI मैच फिक्सर को भी बिना कारण बताओ नोटिस दिए निष्कासित नहीं कर सकता है। मोइनुल हक स्टेडियम में घटी घटना को लेकर FIR भी की गई है। आगे उन्होंने कहा कि मैं BCA अध्यक्ष के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रहा हूं। इसलिए बेटे को निशाना बनाया गया है और नियम तोड़कर निष्कासित किया गया है। हम कोर्ट में जवाब देंगे। 10वीं और 11वीं सदी के मूर्ति का नालंदा संग्रहालय में हुआ अस्थायी प्रदर्शन। नालंदा संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत है। इसमें रिजर्व कलेक्शन में रखी गई 3 मूर्तियां का अस्थायी प्रदर्शन और लोकार्पण हुआ है। इस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी विरासत हमारी शान है, इसे सहेजने की जिम्मेदारी ना सिर्फ आर्कियोलॉजिकल की है बल्कि हम सभी की है। नालंदा म्यूजियम में जो प्रदर्शनी लगाई गई है वह काफी अनुकरणीय है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में जो 3 मूर्तियां लगाई गई हैं उसमें तीसरी मूर्ति 10वीं और 11वीं सदी की है। यह मूर्ति बुद्ध बसलत प्रस्तुत मूर्ति है जिसमें आप देखेंगे कि इस मूर्ति में बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे सिंहासन पर बैठे हैं। साथ ही दाहिने तरफ बोधिसत्व और बाएं तरफ मैत्रेय खड़े नजर आएंगे। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 1992 में यह मूर्ति संग्रहालय को प्राप्त हुई थी। सिल्क इंडिया प्रदर्शनी का ज्ञान भवन में हो रहा 5 दिवसीय आयोजन। पटना स्थित ज्ञान भवन में सिल्क इंडिया प्रदर्शनी का 5 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ है। इस प्रदर्शनी में कई सिल्क की बेहद ही खूबसूरत साड़ियां बड़े स्तर पर देखने को मिल जाएंगी। यहां 13 राज्यों के विशेष हैंडलूम साड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी जो ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रही है। आपको बता दें कि कई राज्यों के बुनकरों ने इसे बड़ी खूबसूरती के साथ तैयार किया है। प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक मॉडल रैंप वॉक पर साड़ियां पहनकर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उतर रही है। इस मौके पर आयोजन संस्थान के प्रबंधन निदेशक मानस आचार्य द्वारा कहा गया कि प्रदर्शनी में देश के कोने कोने से आए बुनकरों द्वारा सिल्क की बहुत सी वैरायटी का प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में कुल 70 स्टॉल्स लगाए गए हैं। 22 जनवरी तक आयोजित प्रदर्शनी प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक रहेगा। प्रदर्शनी में ग्राहकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। मानसिक तनाव से जूझ रहे लोग इस नंबर पर कर सकते हैं संपर्क। इन दिनों मानसिक तनाव आम बात हो चुकी है लेकिन इसके निवारण के लिए शायद ही कोई ऐसा हो जो ध्यान दे रहा हो। लेकिन बता दें कि जिस तरह से हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है ठीक उसी तरह हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना बेहद ही जरूरी है। कई बार तो मानसिक तनाव लोगों पर इतना प्रभावी हो जाते हैं कि वे गलत कदम उठा लेते हैं। अक्सर मानसिक तनाव कई लोगों के जीवन में घातक रूप ले लेता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बिहार में मौजूद मानसिक आरोग्य अस्पताल ने मानसिक रूप से ग्रसित रोगियों के लिए एक नई पहल शुरू की है जिसके तहत यदि कोई भी मानसिक रूप से पीड़ित है तो उन्हें टेलीमानस कॉल सेंटर की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत आप अपने परेशानी को हेल्पलाइन नंबर 1-4416 और 1-800-9144-16 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके परिणाम भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अभी तक हर रोज डिप्रेशन से ग्रसित करीब 15 से 20 लोग इस सुविधा के तहत कॉल कर रहे हैं। कॉल कर रहे लोगों की काउंसलिंग की जा रही। मिली जानकारी के अनुसार अब तक काउंसलिंग के माध्यम से 1200 से 1500 लोगों को गलत कदम उठाने से रोकने में सफलता मिली है। आपको बता दें कि ये 3 शिफ्ट में 24 घंटे और 7 दिन टेलीमानस कॉल सेंटर द्वारा चलाए जाते हैं। अधिकतर फोन युवा युवतियों के आते हैं जो नौकरी ना लगने, पारिवारिक कलह, दहेज और मानसिक प्रताड़ना को लेकर परेशान हैं। CBI ने बिहार के हाजीपुर से घूस लेने के मामले में रेलवे अधिकारी को किया गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर से रेलवे अधिकारी समेत 3 लोगों को CBI ने रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर लिया है।
इस मामले को लेकर रेल अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई है कि बिहार के हाजीपुर से रेलवे के एक उप मुख्य सामग्री प्रबंधक और दो अन्य को गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने कथित तौर पर पूर्व मध्य रेलवे के ठेकेदारों को उनके पक्ष में निविदाएं देने के एवज में उनसे नियमित रूप से अवैध रिश्वत ली है। वहीं इस मामले को लेकर सीबीआई ने बताया है कि रिश्वत की रकम का भुगतान तमिलनाडु स्थित एक निजी कंपनी के तरफ से जुड़े कई व्यक्तियों या कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा था, जिसे कथित तौर पर निविदा प्रक्रिया में फायदा पहुंचाया गया था। आगे सीबीआई ने बताया कि एजेंसी ने जाल बिछाया और भारतीय रेल भंडार सेवा अधिकारी सुनील कुमार गांधी को चौरसिया के माध्यम से 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। बिहार और यूपी को जोड़ने वाले पीपा पुल पर आवागमन रोकने के लिए इस दिन तक किया गया बंद। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई लोग अयोध्या जाने के लिए काफी उत्साहित हैं। यदि आप बिहार से और उत्तर प्रदेश जाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला पीपा पुल जो दरौली प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचमदिरा घाट के समीप सरयू नदी और पर दरौली और खरीद के बीच में बना है, वह 24 जनवरी तक बंद रहने वाला है। अब आम लोग इस पुल के जरिए 24 जनवरी तक आना जाना नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि कई युवा और साधु संत इस रास्ते से अयोध्या जा रहे हैं। इसी को देखते हुए बलिया जिला प्रशासन ने नदी के बीच 6 पीपा पुल हटा दिए हैं ताकि क्रूज पानी जहाज को जाने में अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। रिपोर्ट में हुए खुलासे, ग्रामीण इलाके की इतनी फीसदी बेटियां ऑनलाइन पढ़ाई का ले रही सहारा। एक समय ऐसा था जब लड़कियों की शिक्षा दीक्षा घर तक ही सीमित थी, लेकिन आज लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों में तो लड़कियां पढ़ाई के मामले में बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। इस मामले को लेकर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल ने 2 अलग अलग आयु वर्ग को लेकर रिपोर्ट जारी किया है, जहां बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 14 से 16 साल और 17 से 18 साल की आयु के छात्र छात्राओं के सर्वे हुए हैं। रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि 14 से 16 साल के 7.6% लड़के और 2.6% लड़कियां निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वहीं 14 से 16 साल की 79% लड़कियां और 86% लड़के सरकारी स्कूलों में हैं। मिली जानकारी के अनुसार 17 से 18 साल के आयु वर्ग में लड़कियों से अधिक लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ इस उम्र के 75% लड़के तो वहीं 71% लड़कियां सरकारी स्कूल में नामांकित हैं। 17 से 18 साल के 11% लड़के निजी स्कूल में पढ़ रहे तो वहीं 7.5% लड़कियां ही निजी स्कूल में हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में 54% लड़कियां ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा ले रही हैं, तो वहीं लड़के 71.8% हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा ले रहे हैं। बिहार में मशरूम की खेती के नाम पर शराब का चल रहा था धंधा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर इसका धंधा करने के लिए आए दिन नए तरीके अपनाते रहते हैं। अब इसी कड़ी में खबर आई है कि मशरूम खेती के नाम पर किराए के मकान में शराब का धंधा चलाया जा रहा था। दरअसल मामला पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र जयप्रकाश नगर रोड नंबर 4 का है, जहां से विदेशी शराब के 400 बोतल राजस्थान, वेस्ट बंगाल और हरियाणा के बरामद किए गए हैं। इन शराबों की कीमत लगभग 6 लाख के करीब में आकी जा रही है। मामले को लेकर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक कार को पकड़ कर जांच की गई है, तो उसमें से शराब के बोतल बरामद हुए हैं। शराब एक झोले में रखा हुआ था। इस दौरान मनोज नाम के आदमी की गिरफ्तारी हुई है। इसी से मिली जानकारी के बाद जयप्रकाश नगर के रोड नंबर 4 स्थित किराए के मकान में छापेमारी की गई, जहां फ्लैट के अंदर से भारी मात्रा में शराब के बोतल बरामद किए गए हैं। इस काम में लगे अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर पटना हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई की गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा की गई है। बता दें कि इससे पहले जो मामले की सुनवाई हुई थी, उसमें कोर्ट ने गया और जहानाबाद जिले के डीएम को निर्देश देते हुए कहा था कि सड़क निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करें। वहीं कोर्ट से निर्माण कंपनियों से पूछा था कि इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। उस वक्त कोर्ट को कंपनी द्वारा आश्वासन देते हुए कहा गया था कि 30 जून 2023 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन निर्माण कार्य अभी भी जारी है। हालांकि मामले को लेकर याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता मनीष कुमार ने कोर्ट को बताया कि जिस गति से काम किया जा रहा है, ऐसे में तय समय सीमा से निर्माण कार्य पूरा होना कठिन है। तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए संसाधनों और कार्य करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। बता दें कि अब तक इस मामले पर अगली सुनवाई 16 फरवरी 2024 को की जाएगी। 3 दिवसीय बोध महोत्सव की आज से हुई शुरुआत। आज से 3 दिवसीय बोध महोत्सव का आयोजन बिहार के गया में स्थित बोध गया में शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत बोध गया के कालचक्र मैदान में की गई है। इस अवसर पर पूरा बोध गया बड़े ही खूबसूरती के साथ सज चुका है। आज के उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य शामिल हुए। आपको बता दें कि उद्घाटन को लेकर तैयार हुआ मंच बिहार थीम पर रहा, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक नजर आ रहा था। मंच पर लोगों को सबसे अधिक बुद्ध की प्रतिमा आकर्षित कर रही थी।
साथ ही कई अन्य बौद्ध स्तूपों की झलक भी देखने को मिली। कई रंग बिरंगे लाइट से सजा बोध गया काफी आकर्षक लग रहा था। यहां आने वाले दर्शकों के लिए खास इंतजाम भी देखने को मिले, साथ ही साफ सफाई से लेकर बैठने तक की अच्छी सुविधा मौजूद रही। स्वास्थ्य सेवाओं का भी खास तौर पर इंतजाम किया गया था। सुशील मोदी ने श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के दिन बिहार में राजकीय स्तर पर अवकाश की मांग। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2:30 बजे तक केंद्रीय स्तर पर अवकाश की घोषणा की है। अब इसी को देखते हुए बिहार में भी विपक्षी दल द्वारा राजकीय स्तर पर अवकाश की मांग की जा रही है। दरअसल राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इस अवसर पर आधे दिन के लिए सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित करने की मांग सीएम नीतीश से की है। सुशील मोदी द्वारा कहा गया है कि अयोध्या में 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, सबकी सहमति और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए भव्य राम मंदिर के नव निर्माण से देश विदेश के कोटि कोटि हिंदुओं में जो उत्साह है उसका आदर होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी सभी कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और केंद्रीय संस्थानों में 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे तक का अवकाश रखने की घोषणा करके बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया है। यह एक सराहनीय निर्णय है। सपा नेता शिवपाल यादव पर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का पलटवार। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक समारोह से अधिक राजनीतिक समारोह का रूप लेती जा रही है। दरअसल वर्ष 1990 में कार सेवकों पर फायरिंग हुई थी। इसी मामले को लेकर सपा नेता शिवपाल यादव द्वारा कहा गया है कि संविधान की रक्षा करने के लिए कार सेवकों पर गोली चलवाई गई है। अब इस मामले को लेकर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सपा नेता पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि उस समय की क्या स्थिति थी और किस परिस्थिति में वहां गोली चली। परिस्थिति जो भी हो, गोली चलना और आदमी के जीवन का नुकसान होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि साल 1990 की बात को कोई आज दोहरा रहा है और कह रहा है कि गोली चली तो वो अच्छी बात थी। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। देश पहले से घायल है और ऐसी स्थिति में इस तरह की बयानबाजी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के 3 रूप हैं। एक तो निर्गुण निराकार रूप में राम सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिन्हें ब्रह्म कहते हैं। वही सच्चिदानंद है, वे सच्चिदानंद है लेकिन हमारे बहुत काम के नहीं है। लालू तेजस्वी और सीएम नीतीश के अचानक मुलाकात के बाद तेजस्वी का आया बयान सामने। राजद अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटे व बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने अचानक सीएम आवास पर पहुंचे। महागठबंधन की सरकार में मौजूद राजद और जदयू के इस मुलाकात को राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये सामान्य मुलाकात थी, काम को लेकर बातचीत होती रहती है, इसमें कुछ खास नहीं है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और भाजपा को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सीट शेयरिंग के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में भी बात चल रही है और सब कुछ जल्द ही तय हो जाएगा। बिहार में अमित शाह के बयान के बाद सत्ता पलट के लग रहे कयास। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह के बयान सामने आए हैं। अमित शाह द्वारा कहा गया है कि यदि जदयू की तरफ से प्रस्ताव आया तो इस पर विचार किया जा सकता है। अब अमित शाह के इस बयान के बाद सीएम नीतीश की पार्टी जदयू ने अपने सभी विधायकों को फिलहाल पटना में ही रहने का निर्देश दिया है, जब तक अगला निर्देश जदयू जारी ना कर दे। हालांकि इस मामले को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन राजनीति में इन बातों को देखते हुए एक बार फिर से सत्ता पलट के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की सरकार में शामिल जदयू और राजद के नेता लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। राहुल द्रविड़ ने भारत के इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को लेकर कही ये बात। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज हैदराबाद में 25 जनवरी को खेलने वाली है। टीम इंडिया सीरीज को लेकर जमकर तैयारी कर रही। इसी को देखते हुए भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने बताया है कि भारतीय टीम 20 जनवरी से हैदराबाद में टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों की शुरुआत करेगी। ये सीरीज दिलचस्प होने जा रही है और इसका इंतजार है। इंग्लैंड अच्छी टीम है, वे काफी अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 20 तारीख से सभी के साथ वापस जुड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। तैयारी के लिए कुछ दिन है और उम्मीद है कि अगले कुछ महीने क्रिकेट खेलेंगे। 5 वेन्यू में उम्मीद है कि लोग टेस्ट क्रिकेट देखने और सपोर्ट करने आएंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सादुल्ला पलवी, इंदिरा मणि, MD साकिर हुसैन, अंजू कुमारी, अनवर करीम खान, RK राणा, गोनर शर्मा, नौसाद रजा, उमेश ऋषिदेव, रंजित मिश्रा, नुन्नू गोलू कुमार, रवि कुमार राम, वैद्यनाथ ठाकुर, नीलम कुमारी, संजीत कुमार, ऋषिकेश साह, धर्मवीर कुमार, दिलीप कुमार, रेशम कुमारी, अनुपमा कुमारी, उषा यादव,
मिथिलेश कुमार बीरेंद्र शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए आप क्या करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।